राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज नैनीताल में आयोजित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान 410 विद्यार्थियों को पीएचडी स्नातक और परा स्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 115 विद्यार्थियों को मेडल और 5 विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार दिए गए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री ने शैक्षिक सत्र 2019-20 और 2020-21 के सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक एवं परास्नातक स्तर के कुल 58,640 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी उपाधि धारकों और मेडल धारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में छात्र छात्राओं के माता पिता और गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि ये बेहद हर्ष का विषय है कि आज दीक्षांत समारोह में 95 गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए हैं। 58,000 स्टूडेंट्स को डिग्री दी है। आपने देखा है कि किस प्रकार जो पीएचडी है 400 से अधिक, 115 से अधिक मेडल दिए गए हैं और ये हमारे सारे परिवार के लिए, उत्तराखंड के परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात और मैटर ऑफ प्राइड की हमारे जो विद्यार्थी हैं इतना सुंदर कर रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस की कि जो मेडल दिए गए हैं उसमें मुख्यतः जो मेडल थे हमारी बेटियों को दिए गए। आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं कि उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस प्रकार से, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्षमता क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी और अगला दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। आप देखते जाइए क्योंकि जो टर्न ऑलरेडी ले चुके हैं उत्तराखंडी वो अपने आप में अलग है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति में छात्र अपनी इच्छा के अनुरूप विषय ले सकते हैं। अब छात्रों के पास कई विकल्प मौजूद रहेंगे, इसका सीधा लाभ छात्रों को मिलेगा। इस बार जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा को हम ला रहे हैं और उत्तराखंड में अभी तक जो जो विषय पढ़ाए जाते थे उसके अलावा भी बच्चों को हम चॉइस बेस शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो बच्चे वेद भी पढ़ सकते हैं, बच्चे संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, बच्चे उत्तराखंड का इतिहास भी पढ़ सकते हैं, मातृभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए और ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, आईटी का भी ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को हम जो उसकी च्वाइस हो उस पर आधारित शिक्षा देना चाहते हैं। और जो उत्तराखंड के महापुरुष हुए हैं जिनने उत्तराखंड के लिए काम किया है, हम उनको भी अपने सब्जेक्टों में जो है वो लाना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को ज्ञान रहे कि हमारे प्रदेश के लिए लोगों ने क्या क्या किया है। दीक्षांत समारोह में डिग्री पाकर कई छात्र बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज उनका सपना साकार हुआ है। काफी इंतजार के बाद दो साल कोविड के चक्कर में दो साल से कुमाऊं विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था, इसलिए हम काफी इंतजार कर रहे थे। इंतजार के बाद आज वो क्षण पूरा हुआ और बचपन से हमारा सपना था कि हम गाउन पहने और मैंने राजनीति विज्ञान विषय में उत्तराखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति एक विश्लेषण शोध कार्य किया